सकते हो हम काट रहे हैं इसका कॉलर का पट्टी। हमारा कॉलर है 15। हम सबसे पहले सकते हो तो हमारे कॉलर के पैटर्न है, हमें कॉलर का पैटर्न कौन सा काटना है। तो देख सकते हो हमारा कॉलर का पैटर्न है, कॉलर और बैंड एक ही में हमने ज्वाइंट काट के रखे हैं। आपको कॉलर काटना है, सबसे पहले आपको एक माध्यम लगाना है। हमारा एक ही में कॉलर ज्वाइंट, कॉलर आपको काटना हो पेंसिल से काटना बेहतर है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको अभी हाफ माध्यम लगाना है पहले। ये देख सकते हैं मैंने अभी इसका अभी हाफ माध्यम लगाया है। आपको हमारा कॉलर है 15, आपको यहाँ से ये देख सकते हैं जब हमने मार्क लगाया स्टार्टिंग हुई है, आपको यहाँ से रखना है 15 इंच। ये हमारा आया 15। हम कॉलर की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं और यहीं ख़त्म करेंगे। अभी अब कॉलर को आपको ये पलटना है जो हमने ये मार्क लगाया है। इस मार्क पर आपको ये चोच रखनी है कॉलर की। आप ये देख सकते हैं लकीर लकीर दिया और एक हमने लकीर दिया। जैसा हमारा नीचे का बैंड है हमने ये बैंड लकीर दिया पूरा। ये हमारा बटन टैग, ये जो मार्क इसमें हमने लगा है, ये बटन टैग का मार्क है, छोटा बटन टैग रहता है तो कांच पट्टी बड़ी रहती है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये बेन का और तो कोला का मार्क दोनों लग गया। अब हम इसे आपको काट के दिखाते हैं, हम इसे काटते हैं। ऐसे काटिए, काट के और दिखा दीजिए दोनों, ठीक है। तो देखो भाई दिखा दीजिए दोनों। ये हमारा कॉलर आ गया, ये हमारा बैंड आ गया, हमारा कॉलर बैंड दोनों काट देख सकते हैं। अब हम आप काटते हैं कवर। आपका पैटर्न है 14 इंची का कप है, आप देख सकते हैं 14 इंची का कप है। अब ऐसे ही कवर काफी हमें पैटर्न के जरिए से काटना है। अब हमें राउंड लेना है साइड से, अब हमें पौने 9 इंची का काटना है। हमने मार्क लगा दिया, अब आपको यहाँ से 9.25 इंच आपका ये आ गया। ये अच्छे लुक का घुमाना है, ये राउंड जो हमारा दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आ। अगर आप रोज काम करते हैं तो क्या बोलता है, पैटर्न बनाना लाजिम है ना। हाँ ना, पैटर्न में ऐसे आसानी है, जल्दी कट जाता है, अच्छा ठीक, ये बात है पैटर्न से। आप देख सकते हैं ये कप हमें काटते हैं, इसलिए हमें यहाँ से बराबर जो लपेटे हैं। हमने पैटर्न घुमा दिया, घुमाया इसका दूसरा मार हमने हमारा चुके हैं। अभी हमें सामने की पट्टी और चाक पट्टी और जेब की जेब का बुकरम बुकरम को काटनी है, दो तीन चीजें रहेंगे वो काट के हमें आपको दिखाना है। फिर हमारे पास है फेस का काम, ये हमारे कबागर, ये कॉलर, ये हमारा फेस सामने की पट्टी। अभी सामने की पट्टी काटेगा भाई, इधर से हमारी लंबाई है 27 27 इंच, हमें 1 इंच कम काटनी है, 6 1 इंच हमें पट्टी काटनी है। बाद में पट्टी उतार ली तो लग दे रहा है हमारे को पट्टी का रोल नहीं छोटा है, हम इसमें से पट्टी काटते हैं हमेशा। ये हमारी पट्टी है, पट्टी काटनी है बस। आप चाहे तो दुकान से भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी काटो आप 1.25 इंच काटो, पतली पट्टी पतली जितनी होगी उतनी अच्छी लगेगी। हम पट्टी जो काटते हैं 1 इंच ही काटते हैं मिनिमम, आप देख सकते हैं 1 इंच का हमने मार्क लगाया। अभी हमें इसको पट्टी को बिल्कुल सीधी करनी है, अभी ये उधर उधर धागे निकलना है, साफ करनी है हमें यहाँ से दो तार निकाले और इसे बढ़िया करके साफ कर दिए।
अब हमें काटनी है बस आखिर देखा हमारी चाक की पट्टी और जेब की बुकर। चाक पट्टी भी आपको एक इंच चौड़ी काटनी है, हम तो अंदर से काट लेंगे और आपको रख के दिखा रहे हैं। एक इंच तो हमने मार्क लगाए, जैसे हमने वो साफ करें तार, इसी हम तार इसके साफ कर देंगे। हमारे पास रेडीमेड नहीं है, बस हम इसे ही रेडीमेड बना लेते हैं अपने हाथ से। इसमें तार जैसे झुक रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो काट दिए। इसमें रेडीमेड लोग खुदा आया समझ गए भाई। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। बहुत टाइम लगता है भाई वीडियो बनाने में, उसका बाद वीडियो डालते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं हमने चाक पट्टी भी काट ली। अब हमें बस हमें जेब की बुकरम काटनी है थोड़ी सी, जो हमें जेब पे लगानी है। जो भी एक ही जोड़ी हम काट लेते हैं बढ़िया। हम टेस्टिंग आपको करेंगे, हम आपकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह सेंड करेंगे आपको। अगली वीडियो में टेस्टिंग करेंगे और उसके अगली वीडियो में हम सिलाई करेंगे, फुल स्टिच आपको दिखाएंगे करके शुरू से लेकर आखिर तक, बिल्कुल एक एक ए टू जेड आपको बारीकी से देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, स्किप करोगे तो आप जानकारी भूल जाओगे। फिर वीडियो बारीकी से देखोगे तो आप पूरी शर्ट खुद घर पे घर बैठे बना सकते हो, बारीकी से देखोगे तब बगैर स्किप करें। ये हमारे सारे कालर के पैटर्न हैं, आप देख सकते हो छोटे बड़े सब हमने काट के रखे हैं। कालर के पैटर्न हमारे ऐसे हैं, कालर और बैंड एक ही हमने जॉइंट काटा जिससे हमारा ये खोवे नहीं पीस, हमारे कालर का और ये हमारे कुर्तों के पैटर्न है। इंची काटना है तो मार्क वाली है वो आपकी काट पट्टी है, तो विदाउट मार्क है वो आपका बटन टैग है। तो आपको बटन टैग मोड़ना है, बटन टैग मोड़ने से पहले आपको बस ध्यान रखना है हमने ये मार्क